जय गुरु। आज परम ब्रह्मा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के देवघर में शुभ आगमन दिवस एवं 76 अनुकूलाबाद का आरंभ 1944 साल 6 चैत्र को माता मनमोहिनी देवी की परलोक हो गई थी। मातृगत प्राण श्री ठाकुर के जीवन में इस विरह से मर्मभेदी व्यथा की सृष्टि की, जिससे वे अपने संपूर्ण जीवन में माता की स्मृति एवं विरह अन्य दुसह दुख को बार बार व्यक्त करते रहे। माँ के खोने का कष्ट हृदय में रहने पर भी श्री ठाकुर के लोक कल्याणी महायज्ञ में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं देखी गई, जिनका आविर्भाव ही हुआ है विश्व के कल्याण के लिए। उन्हें कोई भी अभिभूति ग्रस्त ही कैसे कर सकती है, वही चिर अच्युत। 1946 के पहले सितंबर के एक आंधीयुक्त वर्षों के दिन चिकित्सकों के परामर्श से वायु परिवर्तन के लिए श्री ठाकुर सपरिवार बिहार के संताल परगन के देवघर बैद्यनाथ धाम के उद्देश्य से रवाना हुए। इसी यात्रा में कुछ भक्त हमें उनके साथ आए। दुर्भाग्यवश 1947 साल के 15 अगस्त को भारत विभाजन के फलस्वरूप पवना जिला पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया। हिमायतपुर में श्री ठाकुर के अरबों की संपत्ति भी थी, जिसे तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने सरकारी संपत्ति रूप से घोषणा की। तब से देवघर में पुनः नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू हुआ। देवघर के उस व्यापक कर्मयज्ञ ने जाति धर्म निरपेक्ष उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत के तथा प्राच्य एवं पाश्चात्य बहुत से देशों के अनगिनत नर नारियों को खींचकर उनके पवित्र चरण स्थल में लाया। एक विराट जन जागरण के स्पंदन ने भारत के प्रत्येक प्रदेश तथा समीपवर्ती प्रदेश को स्पंदित कर दिया। केवल भक्तगण ही नहीं, भारत और भारत के बाहर से भी बहुत से राजनीतिक नेता, शिक्षाविद, शिल्पपति, दार्शनिक, साहित्यिक, चिकित्सक आदि मनुष्यों ने श्री ठाकुर के सानिध्य में वर्तमान परिस्थिति में करणीय विषयों के संबंध में आलोचना की है और उद्बुद्ध होकर अनेक अनेक द्वारा प्रवर्तित सात मंत्र में दीक्षित हो गए हैं। जय गुरु।